28 सितंबर को आईएनएस खंदेरी के कमिश्निंग के बाद राजनाथ सिंह एक ड्राई डॉक का उद्घाटन करेंगे उसी ड्राई डॉक के पास इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सबसे पहले तो ड्राई डॉक होता क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि बड़े बड़े ये जो जहाज होते हैं डिस्ट्रॉयर्स होते हैं सबमरीन्स और बड़ी बड़ी जो शिप्स होती है एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं इसको रिपेयर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये जो बड़ी बड़ी शिप्स आपको दिख रही है ये जो अभी ये जो खड़ी है ये आई कोलकाता है तो जितनी ये समंदर के ऊपर होती है उतनी ही समंदर के नीचे भी होती है तो उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर काम करने के लिए उसे पानी के बाहर लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है इंडियन नेवी के पास इसके पहले सिर्फ़ एक ही जगह थी जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये जो बड़े बड़े जहाज थे उनका मेंटेनेंस होता था जो कि कोची शिप शिप में होता था लेकिन इंडियन नेवी का खुद का ऐसा कोई ड्राईडॉग नहीं था जहाँ पे बड़ा से बड़ा जहाज यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विक्रमादित्य को यहाँ पर लाके रिपेयर किया जा सके तो ये सबसे बड़ा ड्राईडॉग यहाँ पर बना हुआ है दस साल लगे हैं हज़ार करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है जिसके बाद ये देश का सबसे बड़ा इंडियन नेवी का डॉक है आप देखिए ये कितना बड़ा है ये आई एन एस कोलकाता अभी यहाँ पर इसका काम चल रहा है ऐसी दो बड़ी बड़ी जहाज़ें यहाँ पर आ सकती है और जो आई एन एस विक्रमादित्य है जो कि एयरक्राफ्ट करियर है वो पूरी तरीके से इसमें आ सकता है और उस पर पूरा का पूरा ये काम हो सकता है तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है बहुत ही बड़ी सफलता है इंडियन नेवी के लिए हमारे साथ कैप्टन रजत नागर मौजूद है जिन्होंने इस पूरे ड्राई डॉक का जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट किया है सर सबसे तो पहले इस ड्राई डॉक के बारे में बताइए क्योंकि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर डॉक कहा जा रहा है और देश का सबसे बड़ा ड्राई डॉक ये इंडियन नेवी का सबसे बड़ा ड्राई डॉक है ये स्पेशली हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया है क्योंकि आज तक हमारे पास इस साइज़ का कोई डॉक नहीं था जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को डॉक कर सके तो इसलिए हमें ड्राई डॉक के रिक्वायरमेंट बाहर के ड्राई डॉक से करनी पड़ती थी जैसे कोचिंग शिप ले जाना पड़ता था जो कि एक एडिशनल खर्चा होता था आ, हमारे नेवी के ऊपर एंड नॉट ओनली दैट हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब हमें ड्राई डॉक चाहिए कमर्शियल ड्राई डॉक में शायद आपको इतना इमरजेंसी बेसिस पर ड्राई डॉक फैसिलिटी ना मिले तो यहाँ पर ये अपना फैसिलिटी होना स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये ड्राई डॉक बनाया गया है जो कि 281 हंड्रेड मीटर्स लॉन्ग है 45 फाइव मीटर्स विथ है इसका और ऑलमोस्ट 17 मीटर्स इसकी डेप्थ है एंड इट कैन ईजीली केटर फॉर आवर एयरक्राफ्ट कैरियर एंड शिप्स ऑफ ऑलमोस्ट नाइन्टी थाउजेंड टनस ऑफ वेट सर काफ़ी बड़ा ये डॉक है इसके बारे में बताएं कि कितना समय लगा है कितने साइलेंट फीचर्स हैं और इसकी कुल लागत कितनी है ये प्रोजेक्ट आ, तकरीबन थाउजेंड करोड़ का प्रोजेक्ट है फॉर द कॉन्ट्रैक्टर एंड इसके अलावा ये जून 2010 में स्टार्ट हुआ था ये नेवी का ओनली ड्राई डॉक है जो कि पूरी तरह सी में बनाया गया है और इसके साथ बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस जुड़े थे क्योंकि ये ड्राई डॉक सी में बनाना बहुत ही मुश्किल एक काम है और बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस ओवरकम करने के बाद अब ये टीम इस कागार पर पहुंची है कि हम एक शिप डॉक चैलेंज तो ये भी रहेगा कि मुंबई में जगह की कमी है तो इसे पूरा समंदर में बनाएगी बिल्कुल बिकॉज बॉम्बे डॉकयार्ड एंड बॉम्बे एज सच इस्टाफ सो टू गेनफुली यूज द सी स्पेस राधर देन लैंड वी हैड टेकन दिस डिसीजन कि इसको हम सी में बिल्ड करें और उस चक्कर में ये आ, 2010 में स्टार्ट हुआ बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस आए क्योंकि सी बेड में क्या मिलेगा आपको जब आप एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो आप फोर्स ही नहीं कर पाते और वो सारी चीज़ें एक एक करके ओवरकम हुई और फिर अब हम इसमें आ गए इसके कुछ सेलेंट फीचर्स जो हैं ये है कि इसमें ऑलमोस्ट टू मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर आ सकता है और क्योंकि इसकी साइज इसका साइज इतना है, बड़ा है और क्योंकि इतना पानी इसमें आ रहा है इसको पंप आउट करने के लिए भी बहुत बड़े बड़े पम्प्स चाहिए तो ऐसे हमारे पास आठ पंप हैं एक पंप की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि एक वाटर टैंकर जो हमारा नॉर्मल होता है पानी का टेन थाउजेंड लीटर्स का उसका पंप आउट वो करीब तीन सेकंड में कर सकता है एक पंप और ऐसे आठ पंप है हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे नए फीचर्स हैं इसमें जैसे ये हॉलिंग इन सिस्टम है जैसे ये डॉका मशीन आप देख रहे हैं यहाँ पर इससे आप पीछे अगर देखें तो वो काम कर रहे हैं लोग जहाज़ पे उसमें सो so, पहले क्या होता था वहाँ पे आपको सीढ़ियाँ या उसके फोल्डिंग लगाना पड़ता था अब वो आदमी डायरेक्ट उस पर काम कर सकता है तो लॉट ऑफ लेबर एंड लॉट ऑफ टाइम इज़ सेव एंड देर लॉट ऑफ सच फीचर्स इन दिस डॉग क्योंकि हमसे बात करने के तो ये थे हमें पूरी जानकारी देते हुए इसके सेलेंट फीचर्स और जो देश का सबसे बेड़ा बड़ा नौसेना का ड्राई डॉग कैमरा पर्सन राकेश सालेस्कर के साथ सौरभ बख्तानिया मुंबई आज तक